गाइज, मैं निशा मैम के यहाँ पे आई थी। मैंने सोचा था कि वो बहुत अच्छे से अपने कस्टमर्स को केयर करती हैं और बहुत अच्छे से उनको बात करती हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई बात तक नहीं कर रहा। मैं आपको सुना देती हूँ, निशा मैम से आप मिलवा दोगे मुझे? मामा भी बिजी हैं। देख रहे हो आप, निशा मैम मेरे से मिलने ही नहीं चाहती, और हम लोगों की बात भी हो गई थी कि वो मेरे से मिलेंगी, लेकिन ऐसे कौन करता है किसी के साथ बुला के। यार मैं भी MP से आई हूँ यहाँ पे, और निशा मैम ऐसे कर रही है। फर्स्ट टाइम मेट्रो यूज कर रही हूँ। हम पहुंच चुके हैं निशालामा मैम की जो ऑफिसर सिटीज है, मतलब जो उनका सैलून है। मैं दिखाती हूँ आपको कितना प्यारा लग रहा है। आती है, मैंने उनको पहले वाले बाल दे दिए जिनने मेरे को एक साल पहले लगाए थे। निशा मैम के पास आई थी दिल्ली हेयर एक्सटेंशन कराने के लिए, और मुझे इतनी टेंशन हो रही है ना ऑलरेडी। हम लोगों ने ट्रांजिशन वीडियो बनाई तो बहुत टाइम लग गया, और पापा को मैं होटल में छोड़ के आई हूँ, तो मुझे उनकी टेंशन हो रही है। वो कभी भी नहीं आए हैं इतनी बड़ी सिटी में। बस जल्दी से ये हो जाए, मैं पापा के पास जाऊँ, वो भी टेंशन ले रहे होंगे मेरी। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखो, सबसे पहले बाल लगेंगे, बाल लगने के बाद कलर होगा, कलर लगने के बाद प्रोटीन होगा। जो मेरा पिछली बार हुआ था हेयर एक्सटेंशन, उसका पूरा अपोजिट होगा इस बार। फिर मैंने पैरासिटामोल खाई, क्योंकि दिल्ली जाके मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना। कलर चूज करने वाला कि कौन सा यूज़ करेंगे। देखो वो बोल रहे थे ये वाला, निशा मैम बोल रही थी ये वाला। लास्ट बार जो हुआ था बहुत डार्क हो गया था, तो मेरे को थोड़ा लाइट चाहिए। फाइनली कलर होना स्टार्ट हो गया है। होने के बाद क्या रिजल्ट आएगा वो बताऊंगी, लेकिन उसके बाद प्रोटीन जो भी होता है। और चेंज होने वाली हूँ मैं। जो भैया कलर कर रहे थे, वो मुझसे पूछ रहे थे यार यार आपको सर में इतना दर्द क्यों होता है। पता नहीं क्यों, शायद एक्सटेंड के बाद ना चोट है सिर में, इस वजह से और लग रहा है। कसम से इतना सर दर्द हो रहा था ना मेरा, प्राण निकल रहे थे। अभी हेयर वॉश कुछ क्या बोल दूँ कुछ। इसके बाल अभी हमने कलर कर लिए, फिर टोनिंग करेंगे, फिर फेस का ट्रीटमेंट करेंगे, चिकनी बनाएंगे चिकनी। दवाई खा के जाने आ गए हैं, हाँ तो ज़्यादा चक्कर में गर्मी गर्मी से आ जाता है ना दवाई के साथ। और ये जो लगाऊंगी मैं लैशेज भी लगाएगी, ऐसे ऐसे मटका पटना आँखें फिर बड़ी बड़ी दिखेंगी ऐसी, मुझसे भी अच्छी लगेगी। सुबह सुंदर है। नहीं नहीं नहीं, अपन दोनों बहने लगते हैं। मैं झूठी बहन बोलती तो भी निशा जी। निशा लांबदी सच में बहुत ज्यादा प्यारी है। फिर उन्होंने मेरे बालों को ना एक पन्नी से कवर किया। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जाने मट्टा कहा है। तो ये है गाइस मेरे बाल ऐसे, जब वो कलर समझ में नहीं आ रहा, जब बाल टूट गए उसके बाद आपको कलर समझ में आ रहा कलर ये कौन सा है। फिर हमने रील्स बनाई। ये थोबड़ा लग रहा है 3 मिलियन या 4 मिलियन फॉलोवर वाली का, 3 भी नहीं 4। सब बेइज्जती करते हो आप, मेरी बेइज्जती कर रहे हो आप। मेरे को क्या देख रहा, मैं तो हसीन हूँ, इसको देख लो कोई, टूटा पांव टूटा हाथ गंदा सा मुंह। सॉरी टू से। दीदी ने बोला वो मेरा फेशियल करेंगी, बढ़िया वाला फेशियल करेंगी। फेशियल तो मेंटेनेंस नहीं होती, ट्रीटमेंट की मेंटेनेंस होती है, ये दिक्कत। फेशियल तो मैंने कर दिया, सफाई कर दी, अब उसको मेंटेन करना मेरे जैसे लोग क्या लेंगे रखते वीडियो के। तब जाके बोरा होता है। हाय राम, मेरे बाल कितने गंदे लग रहे थे यार। उन्होंने मेरे बालों में हेयर एक्सटेंशन करना स्टार्ट किया, लेकिन मेरे को चोट लगी थी सर में, जैसे बहुत पेन हो रहा था। अभी ना एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन के बाद उन्होंने कलर किया, कलर के बाद वॉश किया, वॉश के बाद शायद अभी प्रोटीन कर रहे हैं। फिर इसके बाद जैसे मैंने बोला था, निशा दी बोल रही थी वो मेरे फेस का कोई ट्रीटमेंट करेंगी, फेशियल करेंगी, तो उसी का ये प्रोसेस चल रहा है। इतना रिलैक्सिंग था ना यार कि मैं तो सो गई थी, मेरे को याद भी नहीं है कि मैं कितनी देर बाद उठी थी, 1-2 घंटे बाद उठी थी। और कसम से जब मैं उठी तो मैंने देखा, जब मेरी नींद खुली कि पपड़ी सी उधड़ रही है मेरे चेहरे के ऊपर, और बाद में मेरे को इतना रिलैक्स था कि मैं हेयर वॉश के टाइम भी सो रही थी, बिल्कुल नया नया फील हो रहा था। इसको कहते हैं कतई जहर, रेडी हो गई जहर। अब लग रही हूं ना कतई जहर। अब करो कमेंट गंदे, फिर बताऊंगी। देखा निशा दी कतई जहर। तो हमने हमारी प्यारी कतई जहर का अभी स्किन ट्रीटमेंट किया, स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट किया इनके फेस के ऊपर, और ये हमने किया हाइड्रोथेरेपी विद कोरियन ट्रीटमेंट। आपके भी फेस पे पिगमेंटेशन टैनिंग पैचेस हैं, चाहे आप लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, फटाक से ये ट्रीटमेंट कराएं। फिर हम लोगों ने बहुत सारी रील बनाई, बेबी डोल में सोने दी, ओ बेबी डोल में सोने दी। ये सारी की सारी रील आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट @sarthishahu और निशा लांबदी के अकाउंट पे मिल जाएंगी। एंड गाइस सी, मेरे बाल है इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। बुंदेलखंडी बोलूं, बोलना कुछ? हाँ बोल देना, पहले एक बार एक दो ये सिनेमैटिक शॉट ले रहा हमारे, कहीं पे कमी लगे। देखो आप लोग कमेंट करके बताओ कि मैं सच में लंबे बाल में अच्छी लगती है छोटे बालों में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा चल सब्सक्राइब कर दो यार। लव यू ऑल।